हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइस। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ चार ऐसे इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें कि आपको ऑल ओवर जर्मनी बहुत सारे पीएचडी पोजीशंस, पोस्ट डॉक रिलेटेड पोजीशंस, मास्टर्स थीसिस पोजीशंस, बैचलर थीसिस पोजीशंस आपको मिलेंगी। सो मोस्ट ऑफ द पोजीशंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द साइंस फील्ड, बट द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द इकोनॉमिक्स और द हिस्ट्री or the political field or the law related field would also get some positions today. And if you haven't subscribed to the channel, do consider hitting that red button. It would really make my day and would really motivate me. So let's begin. So all the institutes that I'm going to show you today, these are like the big organizations under which there are several tens of institutes. So if I give you an example of compared to India, imagine DU, Delhi University. So that's like a biggest, like Delhi University is one of the biggest umbrellas of institutions that is spread across all over Delhi. And Delhi University ke under actually kareeb I think 60 to 70 different institutions aate hain. To same aaj main waise hi aapko ek example dikhane wala hu. So the first one is Max Planck Institute. It's one of the best institutes in Germany, and the research that is conducted in Max Planck Institutes are top class. It's well known all over the world. Aapko bas Max Planck ki website kholni hai. The link I'll provide in the description below, so you can go to the website from there. So this is the homepage. You can explore the homepage, but I'll just show you where you can find the positions. You have to go to the careers. First you have to change it to the English, otherwise the default pages will show in German. So aap careers pe jaiye, careers pe jaake aap PhD student pe jaiye. अब देखिए कि यहाँ पे बैचलर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी आपको मिलेगा, बट टुडे आई ओनली टॉक अबाउट पीएचडी पोजीशंस। तो आप पीएचडी स्टूडेंट पे जाएंगे, सो दिस पेज विल ओपन। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है हाउ टू गेट अ डॉक्टरेट। तो बेसिकली मैक्स प्लैंक का इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मैक्स प्लैंक रिसर्च स्कूल, IMPRS इन शॉर्ट। तो IMPRS के अंडर if I remember 68 to 70 Max Planck institutes aate hain. These institutes would cover huge variety of topics. So for example, if I go to the webpage, click English, to ye dekhiye, ye since 2000 se chal raha hai, to total 22 saal, 22 years se ye PhD program inka chal raha hai, to kafi well established PhD program hai inka. और करेंटली देर आर टोटल 68 IMPRS स्कूल्स हैं इनके अंडर, इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप PhD पोजीशंस एक्वायर कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए कि आपको साइंस रिलेटेड तो आपको हर एक टॉपिक मिल ही जाएगा, फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल मेथड्स, और ये ऑल ओवर जर्मनी आपको स्प्रेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे फर्दर, तो आपको इसमें पीएचडी पोजीशन का जो भी टाइमलाइन है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, पोजीशंस कब ओपन होंगी, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट आपको यू हैव टू गो थ्रू अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बट टुडे आई विल जस्ट शो ऑल द टॉपिक्स और ऑल द रिसर्च फील्ड्स दैट द मैक्स प्लैंक पीएचडी प्रोग्राम कवर्स। सो दीज आर साइंस रिलेटेड, देखिए अब आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ यूरेशिया, एजिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स के फील्ड में बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है मैक्स प्लैंक में, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मिक फिजिक्स, फिर आपका आ गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैंने भी इसमें अप्लाई किया था। देन बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अभी रिसेंटली मेरे को एक कॉमेंट आया था किसी एक वीडियो पे, आई पोस्ट द कॉमेंट इन द स्क्रीन समवेयर। द कैंडिडेट, द स्टूडेंट वॉन्टेड टू नो अबाउट कॉम्पिटिशनल केमिस्ट्री। तो कॉम्पिटिशनल से रिलेटेड जो भी आपको फील्ड में आपको पोजीशंस चाहिए, आप इस वाले इंस्टीट्यूट में देख सकते हो। यहाँ पे आपको 100% कोई ना कोई प्रोफेसर मिलेगा जो कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में काम कर रहा है। देन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी,
मॉलिक्यूलर बायोमेडिसिन, फिर सेलुलर बायोफिजिक्स, फिर आपका अर्थ सिस्टम मॉडल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आपका अर्थ से रिलेटेड आ गया। मटेरियोलॉजी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मटेरियोलॉजी। तो फिर आपका आ गया केमिकल इकोलॉजी। हाँ ये देखिए आप, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इकोनॉमी, ये आ गया थोड़ा इकोनॉमिक्स पॉलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड आ गया। तो आप साइंस से बाहर आ गए, तो इसमें वेराइटी काफ़ी मिल जाएगी आपको। फिर ये मॉरल इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न सोसाइटीज़, ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका आ गया। पार्टिकल फिजिक्स, फिर जीनोम साइंस, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन, कॉस्मोलॉजी एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी। यहाँ पे टॉप नॉच आपको प्रोफेसर्स भी मिलेंगे और आपको इक्विपमेंट्स भी, आपको सभी के सभी जितने भी होते हैं वो सभी अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे आपको, लेटेस्ट रिसर्च। फिर आपका ह्यूमन हिस्ट्री आ गया, साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट आ गया, आर्ट्स रिलेटेड। फिर आपका स्ट्रक्चरल अल्ट्रा फास्ट इमेजिंग एंड स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, तो आपको इसमें लैंग्वेज साइंसेस, ये साइकोलिंग्विस्टिक्स, तो इसमें आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। एक लॉ का भी मेरे को कमेंट आया था कि इसी स्टूडेंट को लॉ की फील्ड में पीएचडी करनी थी, तो ये है आपका कॉर्पोरेटिव क्रिमिनल लॉ। बट द थिंग इज, अगर आप यहाँ के जो ये आई थिंक ये टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दीज आर कंट्री और जहाँ पे ये पढ़ाया जा रहा है वहाँ के लॉज को फॉलो करते हुए आई थिंक कोर्स स्ट्रक्चर होता है इन लोगों का। फॉर एग्जांपल, अगर आपको, आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं लॉ और आप यहाँ पे क्या आके पीएचडी कर रहे हैं, तो आई डोंट नो हाउ मच सेंस दैट इट मेक्स, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम द फील्ड, सो आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था मैक्स प्लैंक का पहला इंस्टीट्यूट, इसमें आपको बहुत वैरायटीज मिलेंगी, न्यूरो साइंस, मॉलिक्यूलर ऑर्गन बायोलॉजी, बायोलॉजी रिलेटेड तो आपको हर एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मेडिसिन। नेक्स्ट पे चलते हैं, देर इज़ अ लॉट फॉर यू टू एक्सप्लोर। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, नॉट फॉर दिस ईयर बट फॉर द नेक्स्ट ईयर, स्टार्ट लुक गोइंग थ्रू दीज पोजिशंस। इफ यू गेट इन टू अ मैक्स प्लैंक, यू वुड गेट द बेस्ट रिसर्च करियर ऑफ योर लाइफ। सो नेक्स्ट इज लाइबनीट्स इंस्टीट्यूट। लाइबनीट्स भी एक अम्ब्रेला की तरह है, इसके अंडर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर जर्मनी। तो ये होम पेज है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी आपको करियर्स में जाना है, करियर्स इन रिसर्च, पीएचडी एट लाइबनीट्स। अब इसमें लाइबनीट्स ग्रेजुएट स्कूल्स पे जाना है आपको। ओके, आई एम ऑलरेडी ऑन द पेज ऑफ लाइबनीट्स ग्रेजुएट स्कूल। सो यहाँ पर आपको बहुत पीएचडी पोजीशंस मिलेंगी और बहुत ही इनोवेटिव रिसर्च होती है यहाँ पे, बट यहाँ पर मोस्टली आपको बायोलॉजी रिलेटेड मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, इन्फेक्शन बायोलॉजी में इनका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये हैंस नॉल इंस्टीट्यूट, इसमें मैंने भी अप्लाई किया था, येना में है ये। दिस इज़ अ टॉप नॉच रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये सब फुली फंडेड होती हैं। देखिए, अगर आप उसके पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पर्टिकुलर लाइब्रेरीज इंस्टीट्यूट है उसके वेब पेज पे आ जाएगा, फिर डूइंग योर पीएचडी, और फिर जो भी आपको इसमें एप्लीकेशन एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। और इसमें आपको बोला हुआ है कि देखिए, एप्लीकेशन जो भी कैंडिडेट्स आप एप्लीकेशन भेजेंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पीएचडी पोजीशन इन द IWM, ये ग्रुप का नाम होगा, प्लीज़ सेंड योर रिलेवेंट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग CV, योर सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट्स का मतलब है आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मतलब आपके BSc के, MSc के मार्कशीट्स, और आपका डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं इनको, अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो आपको एक PPT भी बना के भेजनी पड़ेगी, ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बनाइएगा, तो क्रिस्प कंसाइज। तो आपको अब ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस प्रोफेसर का प्रोफाइल देखना पड़ेगा कि ये बंदा किस में काम करता है, लाइक दिस प्रोफेसर वर्क्स इन विच फील्ड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके लैब में आप देखिए कि क्या लेटेस्ट रिसर्च काम हो रहा है, क्या किस चीज़ पे वो पेपर पब्लिश कर रहा है साइंटिस्ट, उसके अकॉर्डिंगली आप देखिए आपके प्रोफाइल में कुछ ओवरलैपिंग है कि नहीं, कुछ सिमिलैरिटी है कि नहीं, तभी फ़ायदा है ऐसी जगह पे एप्लीकेशन डालने का। और सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको एक PDF या फिर वर्ड फाइल बना के भेजनी है। आई वुड रिकमेंड यूज़ अ PDF ऑलवेज,
Okay, so this was the second institute, Leibniz. Third is Helmholtz. अब Helmholtz का एक मैं आपको बहुत ही interesting चीज़ बताता हूँ. Helmholtz के अंदर बहुत सारे institute तो है ही हैं, but Helmholtz एक fellowship भी provide करता है, जिससे कि आप out of Germany जाकर भी किसी और research institute में, जैसे कि US में कोई institute है, आप वहाँ पर जाकर भी काम कर सकते हैं और आपको fellowship मिलेगी Helmholtz की तरफ से. तो जब आप USA जाएंगे वहाँ पे तो डॉलर है, बट आपको सैलरी मिलेगी यूरोज के अंदर. तो अभी रिसेंटली वन ऑफ माई कलीग्स, ही वेंट टू डू हिज रिसर्च इन साउथ अमेरिका समवेयर, एंड ही इज़ गेटिंग अ फेलोशिप फ्रॉम Helmholtz. सो ये जो Helmholtz जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको इंटरनेशनल फेलोशिप्स भी प्रोवाइड करता है. आपको रिसर्च प्रपोजल वगैरह देना पड़ेगा उसके लिए, बट फॉर PhD कैंडिडेट्स, अभी हम PhD की बात करते हैं. फॉर PhD कैंडिडेट्स आपको Helmholtz जाना है, फिर यहाँ पे जाना है आपको, आपको करियर्स में जा कर के यू हैव टू गो टू जॉब्स, जॉब बोर्ड खुल जाएगा, इसके अंदर आपको फिर आप फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर फील्ड यू आर इन. तो इसमें देखिए बहुत रिजल्ट्स है, और यहाँ पे PhD ही नहीं, आपको जॉब्स भी मिल सकती हैं. आपको फॉर एग्जाम्पल ये रही रिसर्च इंटर्नशिप, बैचलर थीसिस, मास्टर थीसिस, अभी आप बैचलर्स कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं तो उसका आपको डिसर्टेशन काम करना है. अगर आप ऑलरेडी एक फॉरेन एक्सपोजर लेते हैं, बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट, ठीक है, और आपका थर्ड सेमेस्टर ख़त्म होने को आया है और आपको थीसिस करनी है और आप सोच रहे हैं कि अब्रॉड से थीसिस करेंगे, भूल जाइए, इट्स नॉट पॉसिबल. अगर आपको प्लान करना है कि आप अब्रॉड से, यूरोपियन कंट्री से या US से आपको मास्टर थीसिस अपनी करनी है, देन यू हैव टू प्लान वन सेमेस्टर बिफोर, क्योंकि ये आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आएंगे और आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर करना पड़ेगा. बट अगर आप यहाँ से एक एक्सपोजर ले लेंगे ना, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, आपका रिसर्च प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा उससे. PhD पोजीशन, माइक्रोबियल बायोप्रोसेस डेवलपमेंट, तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं अपने फील्ड के हिसाब से. नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट मैं बताने वाला हूँ, दैट इज़ फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट. तो ये जो है ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी तीनों से. फ्राउनहोफर क्या है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये थोड़ा सा आपको इसके अंदर इंडस्ट्री का एक्सपोजर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. आपको यूनिवर्सिटी वाला फील नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्राउनहोफर जो है यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है. तो इसमें अगर आप PhD करना चाहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन किसी यूनिवर्सिटी में होगा और फ्राउनहोफर के साथ उस यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन होगा. तो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगा, बट काम आप सारा फ्राउनहोफर में करोगे. इसमें आपको जॉब्स करियर्स में जाना है, और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो आप यहाँ रिसर्च से भी जा सकते हैं या फिर थीसिस से भी जा सकते हैं. तो रिसर्च में जाके देखते हैं. अब इसके अंदर आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपका फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, ठीक है. इसमें आपको जॉब्स भी ढूंढ मिल सकती हैं आपको, बट हम रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक पे ही बात करेंगे. तो फॉर एग्जांपल PhD स्टूडेंट का पोजीशन आपको मिलेगा, फिर बैचलर मास्टर थीसिस आपको बहुत सारे मिलेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब मिलेगा आपको. बट ऑब्वियसली जो भी जॉब्स पोजीशंस होती हैं जर्मनी में, उसमें थोड़ा लैंग्वेज बैरियर आ सकता है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गेट इनटू सम जर्मन कोर्स एंड यू गेट एंड यू लर्न सम जर्मन, लाइक एटलीस्ट B2 लेवल ऑफ जर्मन, लाइक यू शुड बी एबल टू स्पीक फॉर जॉब्स. बट फॉर PhD पोजीशंस यू डोंट नीड एनी जर्मन स्किल्स, यू जस्ट हैव टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो या, तो आप देख सकते हैं, दीज आर द फोर बिग इंस्टीट्यूट्स. नाउ अनदर पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दैट देर आर सम PhD पोजिशंस विच अ नॉर्मल कैंडिडेट सिटिंग इन इंडिया और एट देयर होम कंट्री, दे कैन नॉट हैव एक्सेस टू सच पोजिशंस. सो वेयर आर दीज पोजिशंस एक्चुअली? अब फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर है, वो अपने इस लैब के लिए एक PhD स्टूडेंट ढूंढ रहा है, उसके पास प्रोजेक्ट है, उसकी प्रोजेक्ट की फंडिंग भी है, बट ही इज़ नॉट पोस्टिंग दैट पोजिशन इन टू अ पब्लिक वेबसाइट.
like these nature or science careers that I have also talked about in one of my previous videos. I'll post the card somewhere, you can go have a look. Now I'll give you an example. For example, this is one of the PhD positions that I got in my email. The supervisor, the professor, he has a vacant position for which he also has funding. This is from my university in which I am also doing my PhD, University of Regensburg. And this is the Dresselhaus lab. Professor ka naam hai Thomas Dresselhaus. Inke paas ek position aayi hai. ठीक है, इसका लास्ट डेट भी 1 नवंबर 2022 है, बट ये पोजीशन कहीं एडवर्टाइज्ड नहीं है, किसी भी पब्लिक वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है इसका. अब ये टाइप की जो पोजीशंस है ना, ये कैसे फिल होती हैं? ये कैसे फिल होंगी कि जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं इंटरनल स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, आई गेट एन ईमेल, अ सर्कुलेटेड ईमेल about the position advertisement, and if I know someone who is suitable, then I can forward the position to, like, the advertisement to the suitable candidate whom I know, and then they can apply for it. But generally kya hota hai ki jo internally koi student hoga jo ki same field mein hi kaam kar raha hoga, or someone who is already knowing some other students from the internal group, they would get these positions because these are not being advertised somewhere, like in well-known websites. So these positions, for a normal student, it's hard to get access because these are not really being, you know, published in public databases. So what I would strongly recommend for students is to go through these websites that I told you, these four big institutes, and surely you would get some position relevant to your field of interest. So that's it for this video, guys. I hope you liked the video. If you found the video informative, do consider subscribing to the channel, like the video, share the video, and also consider hitting the bell icon. That would give you instant notifications whenever I post my next video. I'll see you guys next time. Bye bye.